तुम्हारो नाम लॉज है। देखिए वापसी के लिए ये अभी जांच में ये पाया गया है कि हमारे जनपद में लगभग 296 किसान ऐसे हैं जिनका पहले जो योजना चली थी नॉन एनपीए योजना, जिसमें खाते रेगुलर होते हैं, तो उसका सत्यापन किए जाने के उपरांत उनका ऋण मोचन किया गया था। उसके बाद शासन स्तर से निर्णय लिया गया कि एनपीए जो इनके खाते हैं जिन बैंकों में, एनपीए समाधान योजना चलाई गई थी जिसमें अधिकतम 1,33,000 रुपये तक टोटल बैंक और सरकार के द्वारा मिलकर के ऋण मोचन किया जाना था और उसके बाद ऊपर की धनराशि बारोबार को जमा करनी थी, तब ये ऋण मोचन होता। तो इस योजना का सत्यापन चूँकि बाद में हुआ और जो फिल्टर लगा हुआ था स्टेट फिल्टर जिसमें आधार पर सत्यापन किया जाना था, तो चूँकि दोनों स्कीमों में एक साथ नहीं होने की वजह से ऐसा हुआ कि कुछ खातों में बाद में फिर ऋण मोचन हो गया। पहले वो 1,00,000 रुपये तक की धनराशि नॉन एनपीए योजना में ऋणमोचित हो चुकी थी, उसके बाद जब एनपीए समाधान योजना का सत्यापन किया गया तो कुछ धनराशि एक ही आधार पर एक ही किसान को ये पाया गया कि ज़्यादा ऋणमोचित हो गई है। तो इस प्रकार 296 खाते ऐसे हैं जिसमें 38,00,000 की धनराशि ये आकलित की गई है जो बैंकों को वापस करनी होगी, क्योंकि जो शासन की जो मंशा थी उसके अनुरूप उनको किसानों को 1,00,000 तक का ऋणमोचन दिया जा चुका है और इससे ऊपर का जो पैसा है वो बैंकों को कह दिया गया है कि आप इसको शासन को तत्काल ये वापस कर दिया जाए।